आपने बजट 2022-23 पर मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, यह बजट असामान्य परिस्थितियों का बजट है। नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना के कारण पूरे देश की अर्थव्यवस्था, प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी से नीचे उतर गई और सीमित वित्तीय संसाधन, केंद्र से प्राप्त राशि में भारी कमी और 2 वर्षों से कोरोना से लड़ते हुए ये विषम परिस्थितियों में बजट प्रस्तुत हुआ है। इसके उपरांत भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुशल वित्तीय प्रबंध करके राजस्थान की जनता से जो वादे किए थे, उन वादों में से लगभग 85% पूरे करने का काम किया और बजट घोषणाओं में भी लगभग 70% बजट घोषणाओं को पूरा करने का काम किया है। माननीय सभापति जी, कोरोना के कारण पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश में हाहाकार मच गया और विशेष रूप में राजस्थान में कोरोना से जो अर्थव्यवस्था खराब हुई, लोगों को जो पीड़ा हुई और जो मंजर हम लोगों ने देखा कभी भूल नहीं सकते। जो परिजन, अपने प्रियजन जिनको हमेशा उनके साथ रहकर के जीवन यापन करते थे, वही परिजन अपने लोगों को छोड़ करके दूर हो गए। हमने वो परिस्थितियां देखी जिस प्रदेश को विकसित प्रदेश, गुजरात को विशेष रूप से मॉडल के रूप में पेश किया जाता है। गुजरात में हमारे राजस्थान के जो श्रमिक थे वो बहुत बड़ी तादाद में गुजरात में फैक्ट्रियों में काम करते हैं। जब कोरोना का समय आया, मिल मालिकों ने, फैक्ट्री मालिकों ने उन मजदूरों को वहां से निकाल दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो है दूरदर्शिता की जो नीति, एक साथ जो उन्होंने लॉकडाउन का निर्णय लिया, उससे लाखों मजदूर पैदल चल चल करके अपने घरों तक पहुंचे। मैंने गंगापुर में देखा कि गुजरात के यहां से निकल करके हजारों मजदूर जो पैदल चल रहे थे, राजस्थान की सीमा में आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कुशल प्रबंधन था कोरोना का, उसके तहत उनकी देखभाल हुई, उनकी सार संभाल हुई। और विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे सवाई माधोपुर जिले में और गंगापुर में जो मजदूर आए, उन मजदूरों को हमने वहाँ पर ठहराने का काम किया। क्वारंटाइन सेंटर जो थे उनमें व्यवस्थाएं की, सरकार के हर विभाग के अधिकारी कर्मचारी उसमें लगे हुए थे, चिकित्सा विभाग के कर्मचारी अधिकारी लगे हुए थे और शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी उस व्यवस्था में लगे हुए थे। इस तरीके से कोरोना का मैनेजमेंट किया। इस विषम परिस्थिति में ये जो बजट पेश किया है, कोरोना की जो मार से आर्थिक स्थिति जो प्रदेश की खराब हुई, उसके बावजूद भी तो बहुत अच्छा प्रस्तुत करूंगा। सभापति महोदय, इस कोरोना के समय हमने देखा यूपीए गवर्नमेंट ने जो महात्मा गांधी नरेगा योजना, जिसका बार बार हमारे प्रतिपक्ष के साथी छींटाकशी करते रहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी नरेगा योजना को महत्वहीन बता करके उसकी आलोचना की।
लेकिन कोरोना के समय हमने देखा ये महात्मा गांधी नरेगा योजना से ही ग्रामीण लोगों का जीवन बचा, उन मजदूरों को वहां पर मजदूरी मिली और अर्थव्यवस्था पटरी पर आई। मैं मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा, जो कमी महसूस हो रही थी महात्मा गांधी नरेगा योजना जो केवल गांवों में थी, इस बार अपने बजट में उन्होंने शहरों में भी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की जो घोषणा की है उसके लिए तहे दिल से मैं उनको धन्यवाद दूंगा। सभापति महोदय, कोरोना के समय हमें चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपयोगिता का भी हमको महत्व पता चला। इसी से माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिकित्सा के क्षेत्र में पूरे राजस्थान के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की और चिकित्सा के क्षेत्र में एक से बढ़कर के एक काम हो रहे हैं। सब जगह सीएससी पीएससी में वहाँ पर क्रमोन्नत किया जा रहा है और हमारे जो विधायक साथी थे, विधायक कोष था, वो विधायक कोष को भी कोरोना के समय उसमें लगाने का काम किया। मुख्यमंत्री जी ने हमेशा चिकित्सा के क्षेत्र में नई नई घोषणा करके नए आयाम स्थापित किए हैं। पिछली बार भी 2 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना घोषित की और 2013 में भी मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना उन्होंने लागू की। और इसी के साथ इस बजट में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करके और राजस्थान में यूनिवर्सल हेल्थ उपलब्ध कराने वाला अग्रणी राज्य बन गया है। चिरंजीवी योजना में बीमा राशि को 5 से बढ़ा करके 10 लाख रुपए किया गया है। इससे भी हमारे उन गरीब परिवारों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, मजदूर लोगों को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा, जो चिकित्सा के अभाव में, दवाई के अभाव में, इलाज के अभाव में अपना दम तोड़ देते थे और पैसे के अभाव में बड़े हॉस्पिटलों में आकर के इलाज नहीं करा पाते थे। ये मुख्यमंत्री जी की इस योजना से उन लोगों को बड़ा फायदा होगा। इससे भी एक कदम आगे बढ़कर राजकीय चिकित्सालयों में, राजकीय चिकित्सा संस्थाओं में उपलब्ध ओपीडी और आईपीडी की सुविधाओं को भी पूर्णतः निःशुल्क करने का काम किया है। माननीय सभापति जी, शिक्षा के क्षेत्र में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट घोषणा में कई अनूठे काम करके और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बड़ा संबल प्रदान किया है। 3820 माध्यमिक स्कूलों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में और शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 1,000 महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने का जो निर्णय लिया है, इससे निश्चित रूप से ग्रामीण परिवेश के छात्रों को, किसान मजदूरों को, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने का जो सपना उनका था, वो सपने को पूरा करने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें किया है। और इसी के साथ इस बाबत अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों को अलग से कैडर बनाया जाएगा, 10,000 अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, ये भी इसके साथ साथ इन्होंने घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने। मैं सभापति महोदय आपसे निवेदन करना चाहूँगा, इस बजट में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की 9,600 करोड़ रुपए के काम हाथ में लिए जाने का प्रस्ताव किया है, लेकिन हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के सामने भी अभी हमारी मांग प्रस्तुत की है कि चंबल से पानी लिफ्ट करके और पाचना में डाला जाए, पाचना से पानी ग्रेविटी के साथ टोडा भीम, नांदोती, गंगापुर, बावनबास इन क्षेत्रों में आराम से वहाँ पीने का और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। ये माननीय सदस्य चंबल वाली योजना, इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। और हमने जो डीपीआर बनाने का मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया है, मैं मांग करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि निश्चित रूप से इसको लागू करें, जिससे हमारे 2-3 जिलों को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। धन्यवाद माननीय संजय शर्मा।